तो ये हूँ मैं टेलीब्रिज करता हुआ, वो भी जिटर क्लिकिंग से। टेलीब्रिजिंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्रिजिंग मेथड्स टू एवर एग्जिस्ट। हेलो एवरीवन, इट्स मी गेम आईडी। तो 2024 बहुत पास है और हमें अपने माइनक्राफ्ट का गेम ऊपर करना ही होगा। तो इस वीडियो में हमें यूट्यूबर्स कुछ इनसेन स्किल्स सीखने को बोलेंगे जो हमें सीखनी ही होंगी, क्योंकि ओके सो जीबीआई, मैं इग्नाइट ओजी तुझे चैलेंज करता हूं टू लर्न बोट लावा क्लच। तो बेसिकली बोट को जब हम लावा में लगाते हैं तो कुछ टाइम के लिए वहां पे रहती है और हम उस पे जंप कर सकते हैं। तो ये लर्न करने के लिए मैंने बस 2 मिनट के लिए टाइमिंग इसकी सीखी, एंड हियर इज माय फर्स्ट ट्राई। ना, ये तो बहुत ज्यादा आसान था। तो ये चैलेंज तो काफी ज्यादा आसान था, पर अगर मैं इनमें से एक भी चैलेंज को पूरा नहीं कर पाता हूँ तो मुझे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। हेलो गाइस, सो मुझे ड्रीमर डीएम करता है वीडियो के लिए चैलेंज दे दे कोई, यू नो, कुछ इस तरह हिट्स लग करके दिखा जैसे मैंने उसके साथ किया। अबे फिर से एक सिलेक्ट हो गया इसका। हिट सिलेक्टिंग, ये एक माइनक्राफ्ट पीवीपी स्किल होती है। तो इससे बेसिकली तुम इंस्टेंटली किसी को भी कॉम्बो कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ इट वर्क। तो बेसिकली जब हम माइनक्राफ्ट में हिट करते हैं किसी को तो वो केबी लेता है, और केबी लेने के साथ साथ वो जमीन से ऊपर भी जाता है। तो हिट सिलेक्टिंग में हमारा ओपोनेंट हमें पहले हिट करता है जिसके कारण हम हवा में होते हैं, और जैसे हम उसे हिट करते हैं वो भी नॉक बैक लेके हवा में चले जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हमारी हिट सिलेक्टिंग काम करती है, क्योंकि हम पहले से हवा में होते हैं तो हम पहले ग्राउंड को भी टच करते हैं, और इसके कारण हमारे ओपोनेंट के पास हायर ग्राउंड होता है और हमारे पास लोअर ग्राउंड। तो जैसे हमारे पीवीपी गॉड टेक्नो ब्लेड ने हमें सिखाया था, The reach you can hit people from begins at the player's eyes. So when Dream is a block higher than me, it's much easier for me to hit his feet than for him to hit my head because the base of a right triangle is shorter than the hypotenuse. Stay in school, kids. It makes you better at PvP. और बहुत ज्यादा हिट सिलेक्टिंग को प्रैक्टिस करने के बाद कौन है नया दोस्त मेरा? पता नहीं क्या बैठा है। मुझे भी चालू करना है। मेरा हाथ उड़ गया। Yes, select. Finally. मैं hard CPS click कर रहा हूँ। मेरा हाथ उड़ गया boxing करके। ओके तो GBI, मैं चाहता हूँ कि तुम माइनक्राफ्ट में 8 ब्लॉक जंप सीखो। Like मैं तो काफी प्रो, तो मैं तो आराम से Okay, never mind. तो 8 ब्लॉक जंप जो माइनक्राफ्ट में पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये स्किल मैं कैसे लर्न कर सकता हूँ? तो मुझे लगा इस स्किल को पूरा करने के लिए मेरे को क्लचेस यूज करने चाहिए, और काफी सारे ट्राइज के बाद मैंने ये रिकॉर्ड किया। दोस्तों नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। ये रखियो, फनी लगेगा। फाइनली। तो इफ आई बी ऑनेस्ट, ये इतना भी इम्प्रेसिव नहीं था, तो मैंने इसे एक और ट्राई दिया। तो मैंने ये मास्टरपीस रॉबी भाई को भेजा और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने लगा। पहले मैंने आइस लगाई और मैं सोचा कि क्या पता इससे 8 ब्लॉक जंप हो जाए, मे बी ये पॉसिबल है। तो मैंने हेड हिटर लगाया और इससे भी नाकामयाबी ही हुई। तो फिर मैंने ट्रैप डोर्स लगा दिए। ट्रैप डोर्स के कारण हमारे हेड हिटर्स बहुत ज्यादा जल्दी होने लगे, जिसके कारण हमारी स्पीड भी बहुत बढ़ गई। और काफी प्रैक्टिस, काफी 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 प्रैक्टिस के बाद तो गाइस, मैं सिर्फ एक ही सब्सक्राइबर दूर हूं फ्रॉम हिटिंग 50,000 सब्सक्राइबर। तो जीपीए, मैं चाहता हूं तुम सीखो बेड ब्लॉकिंग। ओके, ओके सो जी भी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को नियो जंप करके दिखाओ कुछ इस तरीके से। शिट, सिंगल नियो, डबल नियो। ओके गाइज, मैं ये चैलेंजेस तो बड़े आराम से कर लेता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे को मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे अपने चैलेंजेस भेजो। ओके ड्रमर, माय चैलेंजेस, आई वांट यू टू लर्न मॉडर्न पीवीपी। तेरे को 1.8 थोड़ा बहुत तो आता है, अब देखते हैं तू 1.19 प्लस में क्या करता। मॉडर्न पीवीपी, तो मैंने पीवीपी को 1.8 में ऑलरेडी मास्टर कर रखा है। मैं अबव एवरेज प्लेयर की तरह खेल ही लेता हूँ, तो मेरे लिए मॉडर्न पीवीपी शायद इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो मैं फटाक से कंटेंट कंज्यूम करने चला गया, एंड हेयर आर सम क्लिप्स ऑफ मी डिस्ट्रॉइंग पीपल।
तो मॉडर्न पीवीपी में मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे डब्लू टैपिंग काम करती है, हिट सिलेक्टिंग काम करती है और स्ट्रेफिंग भी काम करती है। डब्लू टैपिंग जिसका मतलब है जैसे तुम किसी को हिट करते हो तो तुम डब्लू से हाथ उठा के वापस डब्लू दबाते हो जिससे ओपोनेंट को नॉक बैक ज्यादा मिले। हिट सिलेक्टिंग जो मैंने तुम्हें अभी समझाया, इसमें भी हिट सिलेक्ट हो रहा है बे। व्हाट, ये देखो गाइस इसमें भी हिट सिलेक्ट होता है 120 में भी। व्हाट, हिट सिलेक्ट होता है इसमें भाई, ये तो अच्छी चीज पता लग गई मेरे को। स्ट्रेफिंग बेसिकली जैसे ही तुम्हारे पास ओपोनेंट आ रहा होता है तो तुम थोड़ा सा राइट या लेफ्ट हो जाओ जिसके कारण तुम्हारे ओपोनेंट का एम हिल जाए। तो ये मोस्टली लाइक 1.8 पीवीपी था पर यहाँ पे बस पर हिट को एक टाइम दे दिया है। सो जीबीआई, तुम्हें तो पता ही है कि वॉल रन काफी ज्यादा इजी होती है, वो बात अलग है कि मुझसे नहीं होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो वॉल रन की स्किल को सीखो सैंड से। वॉल रनिंग ये काफी सारी जगह काम आ सकती है, लाइक नेदर में जब तुम अपने दोस्तों से एस्केप कर रहे हो, मिनी गेम्स लाइक ब्रिज या फिर इवन बेड वॉर्स में भी। बेसिकली इसके अंदर हमें वॉल पे ब्लॉक्स लगाने होते हैं और ब्लॉक्स लगाना तो एक्चुअली काफी ज्यादा आसान होता है, दिक्कत आएगी हमें सैंड के साथ। तो ये रहा मेरा पहला ट्राई वॉल रनिंग विद सैंड। तो जब हम सैंड पे वॉल रन कर रहे होते हैं हम उस पे ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हैं और इसी कारण हम नीचे गिर जाते हैं। तो मैंने सही टाइम पे सैंड को प्लेस करा और ये रहा मेरा सक्सेसफुल वॉल रन, पर ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही आसान हो गया था। अब मैं कंप्लीट करने वाला हूँ ये वाला पार्कोर जो मैंने बनाया है, वो भी ओनली यूजिंग सैंड, एंड ट्रस्ट मी गाइज ये बहुत डिफिकल्ट है। यस, हो तो मेरा एक सपना था कि मैं सारे माइनक्राफ्ट के ब्रिजिंग मेथड सीखूं, गॉड ब्रिजिंग, टैली ब्रिजिंग, बट यार मैं सीख नहीं पाया। बट ये मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा ये सपना मेरा बेटा पूरा करे। तो जी आई, सारे ब्रिजिंग मेथड सीखने हैं तुझे माइनक्राफ्ट के अंदर। ओके, स्पीड ब्रिज। तो स्पीड ब्रिज तो लिटरली बेसिक ब्रिजिंग मेथड है, आजकल ये सभी को आता है। इजी, अब हम आएंगे गॉड ब्रिज पे। और भाई हर पिक्सल को मुझसे कोई पर्सनली दुश्मनी है। गॉड डैम Bro, what? Yup, I ended up changing servers. Yo! God Bridge के बाद हम करने वाले हैं Moonwalk. और अब हम करने वाले हैं Tele Bridging. तो guys, Tele Bridging करने के लिए तुम्हें Drag Click करनी आनी चाहिए. पर मेरे को Drag Click करना आता ही नहीं है. पर मैं 16 CPS की जिटर क्लिकिंग कर सकता हूँ, तो मैं एक परफेक्ट टेली ब्रिजिंग तो कभी कर ही नहीं सकता था, बट आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट और मैंने ये क्लिप निकाली। यो, सो जी बी आई, मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रीम का बोट क्लच करना सीखो। तो पहले मैंने फेदर फॉलिंग 4 के साथ ड्रीम बोट क्लच करने की कोशिश करी और इसके बाद मैं नॉर्मली करने लगा। वो ओके, मैं मानता ही नहीं है ड्रीम ने करा हुआ है। आई कैन नॉट, ये नहीं होगा मुझसे, ये सीरियसली नहीं होगा। ओके गाइज, एज यू कैन सी मैं गिव अप कर चुका हूँ भाई। तो इस वीडियो में तुम कॉमेंट्स में मेरे को पनिशमेंट दे सकते हो और जिस भी कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे तो मैं वो पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ। और अगर तुम्हें ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो तुम इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। तो इस वीडियो में मेरे को बहुत सारे वियर्ड माउस के साथ खेलना पड़ा था। आई होप यू विल एंजॉय।